हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आरएस क्लासेस में। जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम इन्वायरमेंटल साइंस के टॉपिक देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए। हर एग्ज़ाम के लिए बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पर हम उसी पर फोकस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि इन्वायरमेंट के फोर कंपोनेंट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। उसी का जो फर्स्ट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर, आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और आने वाली क्लासेस में बाकी के तीन कंपोनेंट्स को भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस और इन्वायरमेंट दैट सराउंड द अर्थ। ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ये ब्लैंकेट है किसका? गैसेस या फिर वेपर्स का, जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जिस तरीके से अर्थ ने हमें पकड़ के रखा है ग्रेविटी की वजह से, उसी तरीके से जो अर्थ है उसने अपनी ग्रेविटी को यूज़ करके इन गैसेस को भी पकड़ के रखा है और इन गैसेस ने ब्लैंकेट की एक शेप ले ली है। हर प्लैनेट के पास अपना एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। जो अर्थ की कंपोजिशन है वो बहुत अलग अलग गैसेस से मिलके बनी है और ये जो कंपोजिशन हमें मिली है एटमॉस्फेयर की, ये बहुत सालों के केमिकल रिएक्शंस के बाद मिली है। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर काफ़ी थाउजेंड किलोमीटर तक फैला हुआ है। हम इसी चीज़ को डाइग्राम से देखते हैं। अगर इस डाइग्राम में हम देखें, अगर हम इसको अर्थ लें, सपोज करें कि ये अर्थ है, तो इसमें जो हमें ब्लैक कलर की ये लेयर दिख रही है, ये है सरफेस, अर्थ की सरफेस। और आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग इस सरफेस के ऊपर रहते हैं, यहाँ पर ऊपर रहते हैं, हम लोग सरफेस के ऊपर रहते हैं। और यहाँ बिल्कुल ब्लैक जो है यहाँ पर, वहाँ से लेके पूरा ऊपर जितना ब्लू दिख रहा है ना, ये सारा एटमॉस्फेयर है। जैसे कि मैंने ऊपर भी बोला कि एटमॉस्फेयर सरफेस से लेके काफ़ी किलोमीटर तक फैला होता है। ये सारा ब्लू एटमॉस्फेयर है और ब्लैक वाली सरफेस है, सरफेस से लेके एटमॉस्फेयर तक फैला हुआ है। अब इसी पूरे एटमॉस्फेयर को हमने डिफरेंट 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 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। उन लेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो किन किन गैसेस से बना हुआ है। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो फर्स्ट गैस है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है डाई एटॉमिक नाइट्रोजन, मतलब N2। ये होती है 78.08%। देन डाई एटॉमिक ऑक्सीजन, मतलब O2, ये होती है 20.95%। आर्गॉन एक इनर्ट गैस है जो 0.93% होती है। वाटर इन वेरियस फॉर्म, मतलब स्टीम, वेपर्स और रेन, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड, तो इनकी परसेंटेज रहती है 0 to 4%। देन कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी होती है 0.0325%। और इनर्ट गैसेस भी काफ़ी पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे, जो हैं हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स, ट्रेसिस। मतलब ये सारे जो गैसेस हैं, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं, बिल्कुल हल्की हल्की पाई जाती हैं, मे बी 0.0004%, इस तरीके से कुछ इनकी रहती है। देन टेबल से देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव में भी कई बार पूछा जाता है, और अगर आप एकेडमिक के एग्ज़ाम की बात करें तो उनमें भी MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ये आ जाते हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, तो वो नाइट्रोजन है जिसकी 78.08 है। देन ऑक्सीजन की, आर्गॉन, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनकी वैल्यूज़ लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज़ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको बोला, एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी थाउजेंड किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसको हमने लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। मेनली हमने इनको डिवाइड किया हुआ है 5 रीजन्स में, मतलब 5 लेयर्स में। किस बेसिस पे? टेम्परेचर विद हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना, हाइट पे जाते जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर वेरी करता है। तो उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया है। जैसे हम बात करें तो हम अगर कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ हाइट ज़्यादा होती है,
हाइट ज़्यादा होती है मतलब टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पर ठंड होती है। उसी तरीके से बहुत सारे जो हमारी लेयर्स हैं उनको हमने इन टेम्परेचर के बेसिस पे ही डिवाइड किया है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। मेनली फाइव लेयर्स हैं और वो कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। पांच लेयर्स हैं, इन्हीं को डायग्राम से देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो अर्थ के सरफेस पे है ना, सरफेस से लेके थोड़े किलोमीटर तक, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। देन अर्थ से थोड़े ज़्यादा किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है, उससे और ऊपर चले जाएं तो मीजोस्फेयर, और ऊपर थर्मो और ऊपर एक्सो। इस तरीके से इसकी लेयर्स डिवाइड होती हैं, पहले ट्रोपो आ जाती है, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर थर्मो और फिर एक्सो। इस तरीके से पांच लेयर्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जो लेयर हमारे पास है, जो अभी हमारे आगे पीछे एयर है, ये भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं ट्रोपोस्फेयर में। तो सरफेस से लेके थोड़ा ऊपर तक ट्रोपोस्फेयर आ जाती है और हम भी यहीं इसी ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो ये देखो, ट्रोपोस्फेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो अर्थ के सबसे पास है, और 80% जो एटमॉस्फेयरिक मास है वो इसी से बनता है। मतलब अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर के मास के बारे में बात करें तो जो 80% मास है ना पूरे एटमॉस्फेयर का, वो इस ट्रोपोस्फेयर की वजह से ही है। बाकी का 20% बाकी लेयर्स की वजह से है। इसकी थिकनेस कितनी होती है, ट्रोपोस्फेयर कितना कितना मोटा है, तो इक्वेटर पे देखा जाए तो ये 17.5 किलोमीटर तक मोटा है, और अगर पोल्स पे देखा जाए तो 6.4 किलोमीटर तक। एवरेज में अगर कोई पूछे तो 12 किलोमीटर हम बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो 12 किलोमीटर तक है अर्थ की सरफेस से लेकर। ये जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसी ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। जितने भी क्लाउड और वेदर की एक्टिविटीज़ है वो भी इसी लेयर में होती है, मतलब बादलों का बनना, बारिश का होना, ये सब कुछ जो है ये इसी लेयर में होता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस लेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और हर एक किलोमीटर ऊपर जाने पर -6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री का डिक्रीज होगा टेम्परेचर पे। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, पहाड़ों पर जाते जाते हैं, तो क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर में यही करेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी की आने वाली क्लासेस में हम इसकी बाकी लेयर्स को भी पढ़ेंगे और कंपोनेंट भी पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के। ठीक है, एक बार जितना आज पढ़ाया मैं इसको रिवाइज़ करवा लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में बाकी का पढ़ लेंगे। आज हमने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो ये गैसेस और वेपर्स का ब्लैंकेट है जो ग्रेविटी की वजह से हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए है। ये काफ़ी किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। देन हमने देखा इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि कौन सी गैस कितनी परसेंटेज में पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सेकंड पे ऑक्सीजन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि इसकी पांच लेयर होती हैं, किसके बेसिस पे, टेम्परेचर विद हाइट। पांच कौन कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। उसके बाद हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में देख लिया कि ट्रोपोस्फेयर 80% एटमॉस्फेरिक मास बनाता है। एवरेज में बात करें तो ये 12 किलोमीटर तक है अर्थ की सरफेस से लेकर, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी लेयर में रहते हैं, और 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, और सभी क्लाउड और वेदर की एक्टिविटीज़ भी यही होती है। कोई पूछे बादल कहाँ बनते हैं, तो वो इसी लेयर पे बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। थैंक यू।